छतरपुर जिले के लवकुश नगर गौरीहार में नए वर्ष के पहले दिन दंगल प्रेमियों के लिए खासा उत्साह भरा रहा। दंगल प्रेमियों को एक ओर जहां पुरुष पहलवानों के दाव पेच देखने को मिले, तो वहीं दूसरी ओर महिला पहलवानों के भी दाव पेच देखने को मिले। चंद्रा विधानसभा क्षेत्र के गौरीहार अंतर्गत उमरी खेड़ा स्टेडियम में आयोजित किए गए दंगल कार्यक्रम में एक ओर जहां देश के दूर दराज महिला एवं पुरुष पहलवान आए, तो वहीं नेपाल के मशहूर कुश्ती पहलवान देवा थापा के आने की जानकारी मिलने पर क्षेत्र के दंगल प्रेमियों की भीड़ का सैलाब देखने को मिला। इस कार्यक्रम के आयोजक चंदला विधानसभा के भाजपा विधायक राजेश प्रजापति एवं लवकुश नगर अनुविभाग की एसडीएम निशा बांगरे अग्रवाल ने पहलवानों के हाथ मिलाकर कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विधायक राजेश प्रजापति ने बताया कि चंदला विधानसभा क्षेत्र का यह दंगल सबसे मशहूर दंगल रहा है। यहाँ की धरती पहलवानों को पैदा करने वाली है, चाहे राजनीति के अखाड़े के हों चाहे कुश्ती के अखाड़े के हों। आज के कार्यक्रम में मौजूद हजारों की भीड़ इस बात का सबूत है कि कुश्ती के प्रति जनता का कितना प्रेम है। वही कार्यक्रम में आए हुए पूर्व विधायक विजय बहादुर सिंह बुंदेला द्वारा कहा गया कि गौरीहार क्षेत्र में पहले गौरीहार महाराजा द्वारा दंगल का कार्यक्रम करवाया जाता था, जिसमें देश के बड़े बड़े नामी पहलवान कुश्ती के दाव पेच दिखाने के लिए आया करते थे, किंतु धीरे धीरे यह कार्यक्रम विलुप्त होता नजर आ रहा था। जिससे पूर्व में मैंने अपने कार्यकाल में इस दंगल के कार्यक्रम को पुनः आयोजित करवाया था। इस परंपरा को अब वर्तमान विधायक बराबर आयोजित करवा रहे हैं। बैठ जा भैया, बैठ फैलाइए। कुश्ती निष्पक्ष हो, मिली हुई कुश्ती ना हो, सब बैठने की व्यवस्था। इधर आ जाओ, हेलो भैया, बैठ जाइए। बकरे वाले एक पुलिस पुलिस व्यवस्था कैसी है इनको बताओ। हाँ हाँ, जल्दी बताओ इनको। बहुत अच्छा, हम भाई हैं पहलवान।
दंगल का कार्यक्रम किया गया है गौरीहार में, और यह दंगल हमारे बुंदेलखंड में और हमारी चंदला विधानसभा में सबसे ज़्यादा फेमस दंगल है, क्योंकि दंगलों का यहाँ पर पहलवानों का बोलबाला हमेशा से रहा है और यहाँ की धरती पहलवानों को पैदा करने वाली धरती है, यह चंदला विधानसभा की धरती। इस धरती से पहलवान निकले हैं, चाहे वो राजनीति से अखाड़े के लिए पहलवान हो, चाहे कुश्ती के लिए पहलवान हो, चाहे जिस क्षेत्र में देखे हो उस क्षेत्र में यहाँ से पहलवान हमेशा निकलते आए हैं, और पहलवानों ने जा कर के देश विदेश में नाम रोशन किया है। इसके उपलक्ष्य में आपने देखा होगा कि हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे शौक़ है लोगों का कुश्ती देखने का और कुश्ती करने का। इसलिए हमारे क्षेत्र का व्यक्ति इतना वीर व्यक्ति है और वीर पुरुष है, एक एक व्यक्ति एक बच्चा एक वीर पुरुष है। इसलिए यहाँ की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ और हम लोग इस जन्मभूमि को कर्मभूमि को आगे तक लेकर के जाएंगे। आप लोगों के माध्यम से हम लोग देश विदेशों में अपने पहलवानों को खिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले होता था, इसके पहले जब स्टेट थी गौरीहार, गौरीहार महाराज यहाँ दंगल कराया कर, यहाँ देश के नामी नामी पहलवान आते थे। अब कुश्तियाँ होती जिन्हें पुरस्कार दे करके उन्हें प्रोत्साहन करके, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, सदैव पहलवानों से भरा रहता था। यहाँ काफ़ी बड़े पहलवान हो चुके हैं, गामा जैसे पहलवान यहाँ हो चुके थे। आज पहलवानी की परंपरा विलुप्त होती चली जा रही है, वही परंपरा जब मैं विधायक था मैंने चालू कराई, अब राजेश प्रजापति जी हुए तो आज इन्हें नए वर्ष से शुरू करवाई। ये नए वर्ष के उपलक्ष में सब युवाओं को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से दंगल हुआ। तो उनकी महिलाओं के उत्साह वर्धन के लिए और कृष्णनगर अनुभाग के जो हमारे पहलवान भाई हैं उनके उत्साह वर्धन के लिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि ये एक हमारा प्राचीन खेल रहा है और ये विलुप्त होता जा रहा है, तो उसके लिए हमें हम सबको मिलकर मिलजुल करके इस तरह की जो हमारे प्राचीन खेल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं खेल के क्षेत्र में यहाँ के अनुभाग के लिए महिलाओं पुरुष दोनों के लिए हम खेल में भी आगे बढ़ाने के लिए उनको तत्पर।